हम लोग आ चुके हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ में ये कालिका होटल, कालिका होटल एक दो चेन है अगर जो उसकी है नॉनवेज बनाने वाली, जो खासकर उत्तर भारत में बहुत फेमस है। एक तो कालिका होटल है यहाँ वाला, और एक बिहार का है चंपारण मीट हाउस। चंपारण मीट हाउस में मैं और रूहानी जब गए थे, रूहानी नहीं खाते हैं, मैं रूहानी और हमारे दोस्त लोग गए थे, हम लोग वहाँ खाए थे। और यहाँ पर हम लोग ये कालिका वाला मटन चखेंगे, जो पूर्वांचल में खासकर कई सारी जगहों पर बनता है और मिलता है। इसी होटल का नाम, होटल का नाम यही है कालिका होटल, कालिका होटल। लेकिन कहानी ये है कि ओरिजिन जो होती है यहाँ से होती है, आजमगढ़ की इस जगह से। और जो यूएसपी है, यूएसपी यहाँ से मुझे जो भी पता चला है कि ये पूरा खाना लकड़ी पे पकता है ना बाबूजी? जी हाँ। क्या नाम है आपका? रूपचंद चौहान। रूपचंद चौहान जी हाँ। आप ही शुरू किए थे? जी नहीं, हमारे पिताजी। हमको देखिए बात करिए, कैमरा छोड़ दीजिए। हमारे पिताजी 1951 में होटल शुरू किए थे। यही वाला? जी हाँ, सबसे पहला यही है। हाँ अच्छा, 51 में? 1951। अच्छा, उसके पहले पिताजी क्या करते थे? उसके बाद वो भी होटल करते थे, वही होटल करते थे। अच्छा, शुरू में वही होटल स्टार्ट किया हमारे पिताजी। अच्छा ठीक है। इसके बाद वो 1969 में मर गए। 69 में? जी हाँ जी। उसके बाद मैं चला रहा हूँ। अच्छा, आप चला रहे हैं? हाँ। अच्छा तो सबसे शुरुआत में क्या क्या बनाए शुरू कर बाबूजी? मीट कबाब। हाँ। मीट है, कबाब है, टिकिया यही कबाब है, अपना कलेजी यही बनाए। हमको तो हमारे पिताजी सिखाए। अच्छा, बाबूजी सिखाए लेना आपके? जी हाँ। अच्छा, और उसके पहले वो जा मतलब किसी सीखे होंगे, काम कर रहे होंगे वहाँ सीख लिए? नहीं, वो कलकत्ता थे, कलकत्ता में रहते थे। इसके बाद कल हमारी माता जी मर गई। हाँ। तो 1900 वो यही आ गए। 1951 में आके होटल खोल लिए। अच्छा। मर गई हमारे माता जो है, मर गई। हाँ। तो उन्होंने आके ही बस गए बस। अच्छा। आज मैं माता जी के देहांत के बाद यही आ गई ना, सुख दे ना, उनके देहांत के बाद आप देखा दूंगा? जी हाँ। अच्छा, अब कहीं के देखा तो यहाँ पे? जी के देखा तो यहाँ पे हमारे चार लड़के वो भी देखते हैं, और उसके बाद हम आज तक अभी तक देखते हैं। आजमगढ़ में कुल कितना ब्रांच हुआ आपको? हमारे को ब्रांच रहा वो ओरिजिनल है ये? हाँ बस, हमारे कोई ब्रांच नहीं है किसी जिले में, नहीं यहाँ आजमगढ़ में भी नहीं, सिर्फ आजमगढ़ में एक ही हमारा। चार रखे हैं लोग, अपना चला रहे हैं, मगर जो है अपना चला रहे हैं, मगर हमारा कोई ब्रांच नहीं। आपका ब्रांच नहीं हो? नहीं। अच्छा, मतलब आप मटन बनाया जाला, चिकन बनाया जाला, और कबाब कुल बनाया जाला? जी हाँ। अच्छा, और कितना किलोमीटर में? तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, हमको बताना यहाँ बताना गड़बड़ हो जाएगा। काहे? अरे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पीछे पड़ जाएगी। गवर्नमेंट पीछे पड़ जाएगी जी? काहे? अरे हाँ वही। आप इनके लड़के हैं? हाँ हाँ, अमन चौहान। अमन जी हाँ, वही मतलब बढ़िया दिन अगर रहता है, जैसे मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, रविवार को बंद ही रहता है कचहरी वचहरी, तो हम लोग का कचहरी से कस्टमर है थोड़ा। रविवार को बंद रहता है, मंगलवार को बृहस्पतिवार को लोग खाते नहीं है, बकिया दिन वही 20 किलो, 22 किलो, 23 किलो बिक जाता है। अच्छा, और लकड़ी इतना सब जगह चूल्हा उल्हा चलता है, अब सब जगह नील का सिलेंडर आ गया है बड़का वाला, आया तो आप लोग लकड़िये पे बना रहे हैं? नहीं, हम लोग इमरजेंसी में गैस पे थोड़ा सा चावल उवल बना लिया जाता है, जैसे मटन उटन घटने लगता है तो इसमें चूल्हा नहीं खाली रहता है, तो गैस पे चावल उवल बना लिया जाता है, बाकी सब लकड़िये पे बनता है। हाँ, लकड़ी पे बनाते हैं। अरे जाते हैं, बकरा बढ़िया लेके आते हैं, बढ़िया क्वालिटी का बकरा खरीदते हैं। अच्छा। हम लोग के लिए चिकवा स्पेशली बकरा रखे रहते हैं, चीख हाँ, जो गोश्त देते हैं। अच्छा। जाके 3-4 घंटा मटन कटाते हैं। अच्छा। और होटल वाले तो केवल फोन कर देंगे कि मीट लेते आइएगा, हमारा पहुँचा दीजिए। अच्छा, आप जाते हैं? हम लोग जाके 2-3-4 घंटा कटवाते हैं वेट। अच्छा, क्या रहता है नियम, क्या रहता है दिन भर, कैसे शुरुआत करते हैं? शुरुआत जाते हैं मटन लेने पे? हाँ, पहले सुबह में 7 बजे निकल जाते हैं घर से मटन लेने के लिए। अच्छा। और इधर जो है कि अपना मसाला वसाला भुजाता रहता है मटन का। हाँ, ये मसाला भुजा हुआ है, अलग रहता है ये भुजा हुआ मसाला है, ये मिर्चा है, ये मसाला है। अच्छा। ये वाला
इसमें गरम मसाला है टोटल और हाँ हाँ और इलायची है, लवंग है, जीरा है, साजीरा है और मिर्चा है, मिर्चा है और तेल है। अच्छा, ये उसमें भुजाता है। अच्छा, हाँ। फिर ये लहसुन का पेस्ट है। लहसुन का पेस्ट है? हाँ, ये लहसुन का पेस्ट है। फिर प्याज अलग भूजते हैं। अच्छा, लकड़ी लकड़ी हाँ। पे लकड़ी पे बनाई जाला की वजह से, स्वाद की वजह से कि स्वाद स्वाद अच्छा स्वाद बढ़िया बनता है। हाँ, इसकी लकड़ी की आठ मीठी होती है ना। कौन सा लकड़ी होगी ये? मतलब बबूर है, शीशम रहता है, आम रहता है। लकड़ी का आँच मीठा होता है। आँच, अच्छा, आँच में उतना ताप नहीं होता, उतनी तेजी नहीं होती जितना गैस से होता है। जितना गैस का निकलता है उतना हल्का रहता है। हाँ, अभी आराम से अपने से निकलता है। इसीलिए आप मटन लेकर आ गए बाजार से, इधर मसाला तैयार हो गया भुजा भुजा के। हाँ, फिर इसके बाद उसी ये वाले हांडी में इसी तरह जैसे मटन पक रहा है, फिर इसमें मटन पड़ेगा और प्याज पड़ेगा और फिर डाल के एक घंटा फिर पकाते हैं। एक घंटा घड़ी देख के बढ़िया मटन हम लोग का रहता है, एक घंटा में पक जाता है। और खराब मटन रहेगा तो आपका दो घंटा ढाई घंटा लग सकता है। खराब हम लोग नहीं लाते, हम लोग का नाम है, हम लोग अपने नाम पे केवल मरते हैं। दिन भर में कई घर बनता है मटन? तो एक दो घर, दो घर इससे बढ़ जाता है, किलो का रहता है। दो तीन घर बनेगा दिन भर? नहीं, दो तीन घर नहीं, दो घर। दो घर बनाते हैं? जी हाँ, दो घर। अरे दूसरा घर चढ़ा इस समय? हाँ हाँ हाँ, ये पाँच किलो है घर अभी। हाँ हाँ, ये चलेगा आठ आठ बजे तक, आठ फिर दुकान बंद। हाँ, फिर आठ नौ बजे के बाद दुकान बंद। अच्छा, हाँ। आपका होटल जो है ना, अभी कई जगह जाइए वहाँ पे होटल में बहुत सारा बड़ा फ्रीजर रखा रहता है, एक दिन पहले से मटन भर के रख देंगे ताकि खराब ना हो। आप लोग कहाँ रखते हैं? रोज का रोज लाएंगे? हम लोग रोज का रोज लाते हैं। रोज का खप जाएगा? रोज का रोज उतना लाए कि मतलब खाने में टेस्ट लगे आदमी को। अब हम चार दिन का बसिया माल रखेंगे तो आदमी खाएगा तो हमारा इतना नाम होगा, नाम नहीं हो पाएगा। बकरे दुकान से चले जाता अमीर तो ज्यो ज्यो उसका टाइम बीतता टेस्ट कम होता है। अच्छा, आप ताजा लाइएगा उसका टेस्ट एक नंबर का रहेगा। अच्छा, हाँ, उतना मेहनत करिए, देरी होगा उतना टेस्ट उसका कम होता जाएगा, हम लोग जितना देरी होगा। अच्छा, यहाँ पे मटन कौन कौन जी से खवाता है? यहाँ पे हम लोग को मटन वही रोटी और चावल से खाते हैं लोग। रोटी बाटी से? बाटी से भी खाते हैं लोग? क्या ऐसा भी है? नहीं, बाटी हम लोग नहीं चलाते हैं क्योंकि बिहार में ढेर होता है। हाँ हाँ हाँ, वो बिहार बार में ज्यादा चलता है बाटी। यहाँ पे जैसे लोग अपने हर रोड पे बनाते हैं लोग, तो बाटी वोटी मटन वटन बनाते हैं, होटल में नहीं। ये क्या बना? ये मछली। चावल बनाए हुए हैं उधर, इधर रोटी लगातार बन रहा है, बन रहा है। अच्छा, रोटी ऊपर चढ़ा के अंदर फुला ले उसके? हाँ, रोटी उस पे सेक लेते हैं, अंदर फुला लेते हैं। अच्छा, आइए इधर। अरे आटा लगभग वही 10 किलो 12 किलो 12 किलो 15 किलो आटा खप जाता है एक दिन में। हाँ हाँ, एक दिन 15 किलो आटा खपता खप लगभग। और क्या दाम है आपके यहाँ मटन का, प्लेट और कबाब का या मछली का दाम क्या, किस दाम पे देते हैं? मटन वही देते हैं हम लोग, बताइए। मटन जो है 250 रुपया प्लेट है, 250 रुपया प्लेट। जी हाँ, जैसे हमको देख के बताइए, कोई दिक्कत? चार पीस 250 रुपये प्लेट में, चार पीस। अच्छा हाँ, और उसके और कबाब के दाम है आपका 30 रुपया। 30 रुपये में कितना? एक पीस। जी हाँ, मछली आपका 30 रुपया की एक पीस। चिकन भी बनाते हैं? जी हाँ, चिकन का 180 रुपया प्लेट। कौन सा बनाते हैं चिकन? लाल वाला क्राइलर। आज के 20 साल पहले देसी बनता था, देसी बनता था। आज के 20 साल पहले देसी चिकन बनता था। अच्छा, तो कस्टमर जब वो महंगा होने लगा तो कस्टमर को देसी चिकन खिलाते थे तो वो पैसा देने में झगड़ा करने लगे, कहते थे ये देसी चिकन नहीं है, तुम ब्रॉयलर वाला मुर्गा खिला के देसी का पैसा ले रहे। इसके बाद हम लोग देसी वाला बंद कर दिए, तब ये लाल वाला बना ले। अब इसमें झगड़ा नहीं होता है, अब इसमें झगड़ा नहीं होता। काकरेल? हाँ, काकरेल आता है।
काकरेल वाला भी बनाएंगे तो उसमें भी झगड़ा होगा। अच्छा हाँ, वो भी महंगा थोड़ा है ना, 350 रुपया किलो का है। उसको भी अगर काकरेल वाला बनाएंगे तो उसमें कस्टमर कहेंगे कि लाल आते आते आपसे बात करते हैं, यहाँ पे बात करें फिर आपसे बात करें, ठीक है। ये इसी वजह से हम लोग उसको जो है कि लाल वाला बनाते कि झगड़ा किसी से ना। अच्छा, ये जो बनारस में, मिर्जापुर में, इलाहाबाद में कालिका ढाबा नाम से बहुत सारा खुला हुआ है, अरे ये सब तो हम लोग का नाम बेच रहे हैं। अच्छा हाँ, यही कि कस्टमर यही पे आते हैं खाना खा के और कैसे कैसे जाके अपने जिले में कालिका डाल देते। अच्छा, आप ही कैसे आप ही का शुरू किया? कहते हैं कि हम उनके नाती हैं तो उनके पोता हैं तो ये है तो उनके रिश्तेदार हैं। अभी उनसे उन लोगों से पूछा जाए तो हम लोग को बिरादरी नहीं बता पाएंगे। बिरादरी मतलब जात। अच्छा, जात नहीं बता पाएंगे। अब बता देते हैं हम उनके नाती हैं तो उनके पोते हैं तो हमारे रिश्तेदार हैं तो हमारे मामा हैं वो तो हमारे चाचा हैं वो। हाँ, अगर नाम पेटेंट करा लिया तो करोड़पति हो गए होते हैं। हाँ, नाम अगर होता तब तो हम लोग को फ्रेंचाइजी देना पड़ता ना। ज्यादा पैसा भी हम उतने में भगवान की दया से खुश हैं, हमको कोई पैसा नहीं, हमारी इज्जत बनी है, हमको यही बहुत बड़ा अच्छा है। हमको ज्यादा पैसा कमाने के नहीं, हम बस हमारा मालिक पेट भर देता है बस। बदलने का सोचे हैं कि थोड़ा और बढ़ा कर लें, ऊपर बढ़ा लें, कैसे चलेगा? हाँ, अभी ऐसे चलेगा क्योंकि ये हम लोग की जमीन नहीं है। अच्छा, किराए पे है? ये किराए पे है। अच्छा, ये किराए पे, इस पे हम कुछ बनवा नहीं सकते। अच्छा हाँ, नहीं तो इस पे बन गया होता ऊपर। अच्छा, ये किराए की जमीन है। अच्छा, दो तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, रोटी चावल के साथ प्याज दिया जाता है, केवल कैश, मोबाइल तो कहते हमारा पैसा ले लीजिए, खाना रख दीजिएगा, हम आएंगे तो खाना रोक लीजिए, खाना रोक लीजिए, नहीं रोका जाता क्योंकि पैसा दे के हम लोग को फंसा लेते हैं। फिर आते हैं 11 बजे 12 बजे रात में, अब हमारा खाना होटल 10 बजे तक चलता है, अब उनको खाना बैठ के अभी 11 बजे तक अगोरे तब ना आएंगे। अच्छा, दो तीन मौसम में तो बड़ा सेल गिर जाता, सावन में सेल गिरता होगा, सावन में तो बहुत ज्यादा नवरात्र में गिरता होगा, नवरात्र में तो बंद रहता है, बंद रहता है नवरात्र में, बंद रहता है। सावन में 1 रुपए में 4 आना सेल रहता है। अच्छा, 1 रुपए में 4 सावन में, नवरात्र में सेल गिरता होगा। हाँ, थोड़ा सा पितृपक्ष में भी सेल गिरता। हाँ, 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 पितृपक्षों में, पितृपक्ष में भी। हाँ, इधर में अभी इधर इस समय भी सेल डाउन है, अभी इस समय मार्केट एकदम बैठा हुआ है, ये ठंडी चल रही है। उस समय क्या करते हैं जब ईद ईद आती है उस समय? नहीं, उस समय तो ठीक रहता है, उसमें शाम के समय तो हाँ ईद ईद में ठीक रहता है, बकरीद में, रोजा वोजा के, रमजान के महीने में ठीक रहता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ज्यादा कस्टमर यहाँ पे हिंदू ही लोग आते हैं। अच्छा, मोहंडम कस्टमर बहुत कम आते हैं, कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। नहीं नहीं आते हैं, थोड़ा कम आते हैं, कम आते हैं। हाँ हाँ, आप भाई हैं? हाँ, बड़े भाई। अच्छा, आप बड़े बड़े भाई हैं? हाँ, ये हमारे बड़े भैया। अच्छा, तो चार भाई हैं हम लोग, चार भाई हैं। हाँ, अच्छा, दो लोग यहाँ पे, बाकी दो लोग एक लोग मोबाइल। दुकानदारी कम हो जाती है रोजा में, दुकानदारी कम हो जाती है जब रोजा चलता है, एक महीना दुकानदारी डाउन हो जाती है, डाउन भीड़ कम आती है। हाँ, आप बता रहे कुछ और, वो बता रहे कुछ और। नहीं रहता है, लेकिन बाबूजी मेरे ख्याल से गल्ला देखते हैं तो उनको ज्यादा आइडिया होगा। हाँ, आप गल्ले का आइडिया नहीं है उतना। ठीक है, तो अभी हम लोग खाएंगे भी मटन आपका। अच्छा, और उस पर ही थोड़ा बातचीत किया जाएगा। ठीक है जी, तो मैं मटन चखूंगा पहले, फिर देखता हूँ क्या मामला है। एक चीज बहुत मिस होती है ना, ये सरसों के तेल का स्वाद, स्पेशली कड़वा तेल जो होता है वो सूंघने में इतना मजा आता है। ठीक है भैया, बस 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 एक ही दीजिए। तो भाई भाई एक सेकेंड, तो सरसों के तेल का जो झार होता है, सरसों तेल जो आग पे पकता है, आँच आती है, वो महक आती है सरसों के तेल की, बिना किसी भी सब्जी में पड़े वो आ रही है इसमें से, तो वो तो मजा आ रहा है। अब पीस खा के देखते हैं गुरु, हाथ से टूट जा रहा है, मतलब अच्छा है मामला, एकदम हाथ से मैं तोड़ ले रहा हूँ उसको आसानी से। अगर आपको
वैसा मटन पसंद है, इसमें थोड़ी सी गांव वाला स्वाद होता है, जिसमें थोड़ा जैसे गांव में खाएंगे हल्का सा आग पे पका हुआ सौंधापन उसका, तो वो स्वाद आपको मिलेगा, टेंडर है एकदम जितना पकना चाहिए, हाथ से टूट जा रहा है एकदम अच्छे से, और हाथ से टूट जा रहा है, मसाले जो है एकदम पगे हुए क्योंकि तो वो चलाए हैं जितना उन्होंने, और ढक के अपन चला रहे हैं, तो मसालों की मसाले और भाप और तमाम जो उसकी एरोमा जो है वो तो मटन के अंदर है, और तो आयुष जी नहीं खाते हैं वरना वो काम मुझसे उतनी काबिलियत से नहीं हो पाता है जो आयुष जी की तरह मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार। अब जेरी जी के सामने चिकन रखा है और वो बताएंगे कि चिकन कैसा बना है। मटन की ही तरह जैसे दान जी ने बताया, तो दान जी कुशल नेतृत्व में बताया कि हाथ से टूट जा रहा है, तो एकदम किसी भी चीज़ के पके होने की कसौटी जो है वो यही होती है किसी भी मटन की, कि वो हाथ से टूट जाता है। अगर आप उसको हाथ से तोड़ ले रहे हैं बड़ी ईजली तो पका हुआ है। सरसों के तेल में बना हुआ चिकन या मटन, सरसों का तेल का टेस्ट अलग होता है। मैं इस बात को एग्री कर रहा हूँ, सरसों का तेल का टेस्ट एकदम अलग होता है। आप देसी घी डाल लीजिए, रिफाइंड डाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बटर कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, फिर सरसों के तेल की जो काबिलियत है ना, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा महंगा हो गया है पर कोई नहीं। तो बढ़िया खाना है। कौन सा मार्केट है ये? सिविल लाइंस कलेक्ट्रेट कचहरी सिविल लाइंस का इलाका आजमगढ़ में। जब आएंगे तो दुकान के अंदर ये वाली चिमनी लगी हुई है और बाहर लिखा हुआ है कि सबसे पुराना कालिका रूपचंद जी बैठते हैं, वीडियो से उनकी पहचान कर लेते हैं सकते हैं, शिनाख्त कर सकते हैं, और आके आप खा भी सकते हैं, चख सकते हैं। अगले फूड ब्लॉग में मिलेंगे। थैंक यू।